हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया और मैं आपको आज बताने जा रही हूं एक घरेलू नेचुरल टिप्स जो है हमारे बालों के लिए। जो मैं आपको आज जो बताने जा रही हूं वो परमानेंट जो स्ट्रेट हम हेयर करते हैं पार्लर में जाके, उससे रिगार्डिंग है। तो हम सारे जो हैं, हम सबको स्ट्रेट बाल बहुत ही पसंद होते हैं, बट हम पार्लर जाके नहीं करा सकते, या अगर कराने की सोचते भी हैं तो बहुत सारे पैसे लगते हैं। और वैसे अगर हम पार्लर में बालों को अगर स्ट्रेट कराने के जाते हैं तो स्ट्रेट कराने के बाद 4-5-6 महीने तक तो हमारे बाल बिल्कुल सही होते हैं और दिखने में भी सुंदर लगते हैं। बाकी जो 4-6 महीने बाद हमारे बालों की जो हालत होती है, बहुत ही बाल फ्रिजी से हो जाते हैं और फिर उसके बाद हेयर फॉल की प्रॉब्लम होने लगती है। ये मैं आपको आज जो बताने जा रही हूँ ये एक नेचुरल टिप्स जो घर पर आप आसानी से कम खर्च में करके आप अपने बालों को परमानेंट स्ट्रेट कर सकते हैं। और इससे ये आपको फायदा होगा कि आपके बाल ना ही, मतलब आपके हेयर फॉल भी नहीं होंगे और ना आपके बाल फ्रिजी होंगे और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। इसमें ज़्यादा खर्चे या ज़्यादा कुछ चीज़ें लेनी नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ लेनी होगी, वो आपके घर में आसानी से मिल जाएगा। तो दोनों जो चीज़ होगी वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी चीज़ है। पहला जो होगा वो होगा दूध, दूध यानी कच्चा दूध, रॉ मिल्क। एक बॉल में आप कच्चा दूध डाल दीजिए। और फ्रेंड्स, सबसे पहले ये नुस्खा देखने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें ज्यादा से ज्यादा। हमने कच्चा दूध लिया और दूध में अब आपको क्या करना है, एक नींबू लेना है। नींबू कैसे काटते हैं, और नींबू को काटने के बाद नींबू इसमें निचोड़ के डाल दें इस करके। तीसरी जो चीज़ लेनी है वो आपको लेनी है स्प्रे बॉटल, घर में जो भी हो स्प्रे बॉटल उसमें इसको अच्छे से डाल लें। अब इसको हमें क्या करना है, बालों में अच्छे से आप कंघी कर लें छोटे छोटे, और इसके स्प्रे बॉटल से स्प्रे करने हैं बालों पर, से आपको स्प्रे करने हैं, रूट पे भी करना है, टिप्स पे भी करना है आपको। बालों में लगाने के साथ साथ आपको कंघी भी करनी है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि बाल हेयर फॉल होंगे या मतलब आपके बाल बाद में फ्रिजी हो जाएंगे, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। बल्कि आपके बालों में दूध से साइन भी आएगा और नींबू तो स्किन के लिए भी और बालों के लिए अच्छा होता है ये। और ऐसे नहीं है कि आप एक बार करोगे तो आपका जो बाल है वो परमानेंट स्ट्रेट टाइप का हो जाएगा। इसको करने के लिए घरेलू जो नुस्खे होते हैं वो धीरे धीरे ही असर होते हैं, बट लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। सब कंघे भी करते रहेंगे कि बालों में सारे ऊपर से जड़ से टिप्स पर आपके पूरे हो, जो आपको कंघे करते रहना है। नेचुरल चीज़ें या घरेलू चीज़ें का यही होता है, अगर आप इसे कंटिन्यू 2-3 महीने कर लेते हैं कंटिन्यू, तो आपके बाल जो हैं वो नेचुरल तरीके से स्ट्रेट भी हो जाएंगे और शाइनिंग भी होंगे। और हेयर फॉल की प्रॉब्लम तो ये नेचुरल चीज़ें आपको भी पता है होगी नहीं, इसे ना रुके रुके बाल ही होंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, ऑयलिंग करना सबसे ज़रूरी होता है बालों के लिए, तो आप वीक में 1-2 बार ऑयलिंग भी करते रहें।
इसको थोड़ी देर रब करने के बाद आप जूड़ा कर लें। जूड़ा करने के बाद आधे से एक घंटे बाद इसे आप ठंडे पानी से धो लें या शैम्पू कर लें। उसके बाद आप रिजल्ट देखें, 2 से 3 बार करने के बाद आप मुझे बताएं, फिर मैं आपको इसके बाद मैं आपको आधे घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि बालों पे कितना इफ़ेक्ट हुआ है। जो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने जो नींबू और जो दूध लगाया उससे मेरे बालों में कितना फ़र्क पड़ा है आप देख सकते हैं। अब मैं जैसे चाहूँ वैसे अपने बालों के साथ कर सकती हूँ और मेरे बाल बिना कुछ किए हुए ही कितने मतलब स्ट्रेट हो गए हैं, नेचुरली स्ट्रेट हो गए हैं। ये आपको एक बार करने पे ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप 4 से 5 बार अगर घर पे करते हैं और मंथ में आप 2 बार भी कर सकते हैं तो आपको आपके बालों पे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और आप पार्लर से छुटकारा पा सकते हैं और फालतू के स्ट्रेटनिंग मशीन से भी छुटकारा पा सकते हैं और आपके बाल नेचुरल स्ट्रेट हो जाएंगे। तो आप एक बार अपने घर पे खुद ट्राई करके और देखें। थैंक यू।